गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस आप जो है इस समय पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 शेप्स। तो शेप्स आपने लर्न किए हैं, प्लेन शेप्स नेम एंड सॉलिड शेप्स नेम सबने याद किए हैं। बच्चों आपको इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ कुछ फिगर पिक्चर्स दी गई हैं जिनको यहाँ नीचे दिए गए टेबल में कंप्लीट करनी है। टेबल चार्ट है जिसमें आपको बताना है कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड क्यूब। तो इन पिक्चर्स को आप उन्हीं के टेबल चार्ट में फिल कर दीजिए। तो बच्चों आपने याद किए हैं सॉलिड शेप्स, मैंने आपको लर्न कराए थे, क्या थे वो नेम्स उनके? यस, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, लर्न कराए थे बच्चों ये। अब आपको इसमें फाइंड करना है कि यहाँ पर स्फीयर क्या कौन सा है। तो देखो यहाँ कोन वाले, ये देखिए यहाँ कोन है, तो यहाँ पर कोन के कॉलम में आप कोन शेप में क्या क्या देख रहे हैं आप? जैसे पहला इन्होंने आइसक्रीम फिल किया है। अब सेकेंड आप क्या कर सकते हैं? बर्थडे कैप। एंड थर्ड क्या हो सकते हैं बच्चों? थर्ड होते हैं कैंप, जिनको हम क्विंकल टेंट भी बोलते हैं। इसी प्रकार से स्फीयर, स्फीयर के बच्चों स्फीयर कैसे होते हैं? स्फीयर में कोई भी, हाँ, स्फीयर हैज़ नो कॉर्नर्स, नो प्लेन शेप्स, है ना? और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि स्फीयर हैव नॉट एनी साइड्स एंड कॉर्नर्स, यानी स्फीयर में ना तो कोई कॉर्नर्स होते हैं और ना ही साइड्स। साइड्स बच्चों क्या होते हैं? जो कि स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम साइड्स बोलते हैं। और जो कॉर्नर्स, जब दो लाइन आपस में कहीं जुड़ती हैं तो कोने बनते हैं, यस, उन्हें हम कहते हैं कॉर्नर्स। अच्छा, तो अब आप जैसे यहाँ पर स्फीयर, के यहाँ पे एग्जांपल कौन से हैं? स्फीयर शेप में क्या दिख रहे हैं बच्चों? जिसमें कोई भी कॉर्नर नहीं है, शेप्स नहीं हैं और वो कर्व लाइन से बने हुए हैं। वेरी गुड, फुटबॉल। दूसरा क्या है? अर्थ। अर्थ देखे ना आपने, ग्लोब बने हुए, हाँ। और इसी प्रकार से आप थर्ड बॉल, ये फुटबॉल बॉल एंड क्या है ये? अर्थ ग्लोब। तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से और भी, अगर जैसे बैलून, बैलून्स भी होते हैं स्फीयर, इसी प्रकार से सिलेंडर, इनमें फाइंड करते जाइए। अब चूंकि आपको इसमें फोर कॉलम दिए हैं, लेकिन इसमें पिक्चर्स हर एक की 2-2 या 3-3 दिए हैं, है ना? तो अब जो है आप अपनी तरफ से भी एक फिल कर सकते हैं जो आपके आसपास हो और आपको दिखाई दे कि अरे ये तो मैम ने बताया था। जैसे आप, हम आपको बता रहे सिलेंडर, तो सिलेंडर शेप में क्या है बच्चों? सिलेंडर शेप में आपके पास क्या है? जैसे यहाँ पर तो कैंडल दे दिए और कैन। अब आप अपने आसपास ढूंढेंगे तो आपको देखेंगे कि वहाँ पर पेंसिल स्टैंड भी रखे रहते हैं जो कि इस तरीके से होते हैं, है ना? टॉर्च, भी इसी प्रकार की होती है। तो बस अब आपको ढूंढना है और लिखना है। अच्छा, अब क्वेश्चन 4 कॉलम में क्या फिल करना है बच्चों? क्यूब। क्यूब यानी जो डाइस, जानते हैं लूडो खेलते हैं ना, यस, तो वो डाइस। दूसरा, आपने अपने क्लास में चॉक बॉक्स देखा है, वो भी स्क्वायर शेप में है आपके पास, है ना? और क्या हो सकती है बच्चों? आइस क्यूब। ये सब आप इन कॉलम में फिल करते जाएंगे
और इनको लर्न करते जाएंगे। बच्चों अब आपको लर्न करने हैं कि कौन इनमें कितने वर्टेक्स होते हैं, एजेस कितने होते हैं एंड फेसेस, सब में आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो अब आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, इसे तो आप अपनी बुक में ही फिल करना है बच्चों। साथ में एक काम करना है कि आपको डेट मेंशन करनी है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सी दिया है, इसमें आपको काउंट द नंबर चाइल्ड ईच शिप्स एंड राइट द नंबर इनसाइड द शिप। आप जिसे फर्स्ट यहाँ पर जो शेप दिख रहा है वो कौन सा शेप है, किस शेप में बना है, वेरी गुड, रेक्टेंगल। तो बताइए इसमें साइड्स आप कितनी लिख सकते हैं, काउंट कीजिए साइड, 1 2 3 4, फोर साइड्स है तो आप इसमें लिख देंगे 4 साइड। इसी प्रकार से सभी में साइड्स लिख देंगे। अब कॉर्नर सॉरी इसमें लास्ट में दिया सर्कल, तो सर्कल में तो कोई भी ना साइड है और ना ही कॉर्नर, बिकॉज इट इज़ अ सर्कल, सर्कल हैज़ नो कॉर्नर नो साइड। बच्चों आपको जब ये लर्न हो जाएंगे तभी आप इनको आसानी से कर पाएंगे।